ये वीडियो उनके लिए है जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक कैरेक्टर को एनालाइज करना चाहते हैं, इंसान बुरा या अच्छा इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक एक्टर एक अच्छा इंसान भी होता है। ये अच्छा इंसान क्या है, अच्छाई बुराई क्या है, एक्टर कैसे अच्छाई बुराई को ऑब्जर्व करें, अलग अलग किरदार अगर करना है तो सही गलत का पहचान होना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक एन एक्टर्स ऑब्जर्वेशन, गुड ह्यूमैन वर्सेस बैड ह्यूमैन। हेलो, नमस्कार, नमस्ते, मैं सोम, नो एक्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। Learn, grow and produce. So, सबसे पहले बात करते हैं कि गुड और बैड क्या है। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। ये गुड और बैड कैसे डिसाइड होता है? समाज में कुछ चीजें हैं जिसको हम कहते हैं बुरा है, कुछ चीजें हैं जिसको हम कहते हैं अच्छा है। जैसे आम खाना अच्छा है लेकिन सिगरेट पीना बुरा है। हर बुराई के पीछे एक ना एक कारण होता है कि वो क्यों बुरा है, और हर अच्छाई के पीछे भी एक कारण है कि वो क्यों अच्छा है। तो अगर हम ये मेटेरियलिस्टिक वर्ड जिसको हम कहते हैं कि जैसे सिगरेट पीना मैं बोल रहा हूँ या आम खाना, कुछ मेटेरियल के साथ अगर हम छोड़ दें, हम अगर इंसान के तौर पे देखें कि हम कहते हैं कि अच्छा इंसान और बुरा इंसान। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि दुनिया में दो तरीके का इंसान है, एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान, एक मेल एक फीमेल। अब मेल में भी अच्छाई बुराई है, फीमेल में भी अच्छाई बुराई है। किसी के अंदर अच्छा ज्यादा होता है, किसी के अंदर बुरा ज्यादा होता है। जैसे हम भगवान और राक्षस की बात करते हैं, भगवान को हम अच्छा मानते हैं, राक्षस को हम बुरा कहते हैं। रावण को नॉर्थ इंडिया में दशहरे के दिन जलाया जाता है, लेकिन वही रावण का अगर हम देखते हैं कि जैसे साउथ इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं वहाँ उनको पूजा भी जाता है। तो ये गुड एंड बैड इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन एंड सोसाइटी के कुछ रूल्स के हिसाब से। अब अगर ये सब बातें हम छोड़ दें, आज हमारा टॉपिक है कि एक इंसान में अच्छाई और बुराई कैसे डिसाइड होता है। तो एक इंसान बुरा है, हम कहते हैं कि उसका इंटेंशन बुरा था, वो जो काम उसने किया, तो इंटेंशन की बात आ जाती है कि आप किस इंटेंशन से वो काम कर रहे हैं। अगर आप एक गलत इंटेंशन से वो काम कर रहे हैं तो आप गलत हैं, अगर आप सही से काम कर रहे हैं इंटेंशन से तो आप सही हैं। जैसे मैं अभी YouTube में काम कर रहा हूँ, एक्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि इससे लोगों की मदद हो रही है और इसमें मेरा इंटेंशन जो है वो अच्छा है, क्योंकि एक्टिंग एज एन एजुकेशन लोगों तक पहुँचाना मेरा मकसद है, एक्टिंग को समझाना मेरा मकसद है कि एक्टिंग को ऐसे समझा जा सकता है, एक्टिंग में कुछ टेक्निक्स हैं, क्राफ्ट है, ये क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट है, तो इसको कैसे समझा जाए, इसको स्टडी कैसे किया जाए, वो मेरा इंटेंशन है। अब कोई गलत कुछ सिखाता है, उसका मोटिव है सबको बिगाड़ना। वो सिखाता है देखो ऐसे घर में बैठ के तुम ये बना सकते हो, ऐसे करके तुम उसको मार सकते हो, ऐसे करके तुम उसको गिरा सकते हो, तो वो गलत इंटेंशन से कर रहा है वो सारी चीज़ें, उसका कुछ अलग इंटेंशन होगा। जैसे खान सर का चैनल मैं फॉलो करता हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो उनका एक इंटेंशन है। अगर आप उनका चैनल फॉलो करते हैं तो वो सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो हर चीज के बारे में बताते हैं और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये इंटेंशन से जाना जाता है कि वो इंसान गलत है ये कि सही है। अब कैरेक्टर्स भी वैसे ही होंगे ना, क्योंकि सही गलत तो सबके अंदर रहता है। जब आप दूसरे कैरेक्टर को बना रहे हैं तो उसके अंदर कितना सही है और कितना गलत है वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही आपको समझ आ सकता है। अब ये जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या है, आपके एनर्जीज है। हम कहते हैं कि बैड एनर्जी और गुड एनर्जी। जैसे आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि गुड एनर्जी होता है, बैड एनर्जी होता है। जैसे कहते हैं बैड वाइब्स, इस घर में बैड वाइब्स है, या वो जब उनसे मिलता हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता उससे मिलके, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, मुझे थोड़ा बुरा लगता है उस इंसान से मिलके, तो बैड वाइब्स हम कहते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है कि ये बड़े पॉजिटिव बात करते हैं, इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो सब कुछ इंटेंशन पे डिपेंड होता है, और यही इंटेंशन आपका एक किरदार के हिसाब से या एक इंसान के हिसाब से एक्शन और बिहेवियर डिसाइड कर देता है कि आप किस तरीके का एक्शन करेंगे। वो आपके जो इंटेंशंस है, वो इंटेंशंस आपके वो किरदार के एक्शन को डिसाइड करता है। जब आप कोई किरदार करने जाएंगे तो वो किरदार के इंटेंशंस आपको स्क्रिप्ट पढ़ के ही पता चलेगा, और तब उसके एक्शंस और बिहेवियर उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो पहले हमें तो खुद को और दुनिया को समझने की ज़रूरत है। अब हम एक बात कहते हैं कि एक अभिनेता की आंखें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो किसी का इंटेंशन है उसका जो क्लोजेस्ट रिएक्शन है, बॉडी से कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ आंखों में दिख रहा है,
वो आंखों में ही दिखता है, क्योंकि वो एकदम से डिटेल रिएक्शन आंखों में ही दिख जाता है कि वो उसका इंटेंशन क्या है, वो किस नजरिया से देख रहा है। तो उससे पता चल जाता है कि आदमी सही है कि गलत, वो क्या सोच रहा है। तो मैं ये जो गलत और सही इंसान की मैं बात कर रहा हूँ इंटेंशन की, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मुझे रियल लाइफ का एग्जाम्पल देना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। ये रियल लाइफ से ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे आपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे तो उनके इंटेंशंस वगैरह पता चलता है। जैसे मैं अगर कल मुझे बहुत ही एक अजीब सा मतलब लगा, मैं बाहर गया था, मैं अपने गांव में आया हूँ तो कुछ कपड़ा खरीदने के लिए मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, एक लड़की है तो उसके साथ गया, तो वहाँ इतने लोग हैं, जहाँ भी हम कुर्ता खरीदने जा रहे थे या फिर मेरे दोस्त के लिए हम कुछ शर्ट खरीदने जा रहे थे, तो वहाँ कम उम्र के बहुत सारे लड़के थे, तो वो जिस तरीके से घूर रहे थे मैंने कई लोगों के सारे आंखों में देखा। तो जैसे ही आंखों में देखा, कुछ लोग, एक तो लड़का मैंने देखा वो चला गया, ऐसे देख रहा था तो मैंने भी सीधा उसके आंखों में ऐसे देखा तो वो देख के चला गया। लेकिन जैसे वो लोग घूर रहे थे, उनके चेहरे पर जिस तरीके की हंसी थी, वो उनको खुद भी नहीं पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन तो होता ही नहीं कि हम कुछ चीज़ों में ऐसे फंसे रहते हैं जो आम इंसान है। तो ऐसे घूर रहे थे, मुझे लगा कि ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, और मैं बहुत सच में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे सारे लोग ऐसे हैं क्या, पीछे से देख रहा है कोई, सामने से देख रहा है, मतलब उनका देखने का नज़रिया मापते हैं ना जो ऐसे करके देख रहे हैं। मुझे ना लगा कि अगर एक एक्टर एक बदमाश, मैं कहता हूँ कि बदमाश का प्ले, बदमाश हम जब जिनको बदमाश की भाषा में बोलते हैं, कि उसका इंटेंशन अलग कुछ हो जाता है। तो जैसे हम किसी को देख रहे हैं तो हमारा नज़रिया बोल देते हैं कि मैं इसको किस नज़र से देख रहा हूँ। तो एक्टर को वो रिक्रिएट करना होता है, जैसे कोई टी शर्ट बेच रहा था, जैसे कुर्ता बेच रहा था, जिसको उसके पास हम गए तो उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो वो नापने का तरीका है, वो बड़ा ही अजीब था। लेकिन हम हाँ उसके बाद एक दुकान में गए जहाँ जाके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ कुछ मेरे पापा के उम्र के एक बुज़ुर्ग एक दो लोग थे, मेरे उम्र के भी एक, सभी ऐसे ही नज़र से देखते हैं ऐसा भी नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो ठीक ठाक नज़र भी रखते हैं। तो वहाँ जब गया तो उन्होंने बातें की, आँखों में आँख रख के बात की, कहीं इधर उधर उन्होंने नहीं देखा, तो मुझे वो लोगों का इंटेंशन भी समझ आया। क्योंकि ये जो हम एक्टर होते हैं, बाहर से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के इंटेंशन से ही तो हम जब कैरेक्टर बनाते हैं, हमें तो लाइफ से ही मिलेगा, मतलब लाइफ जब हम देखेंगे, जिंदगियों को देखेंगे, तभी उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और उसी को हमें रिक्रिएट करना है। हम रिक्रिएट करते हैं अपने अंदर एक किरदार को रिक्रिएट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैं बस ये ऑब्जर्वेशन, गुड ह्यूमन बैड ह्यूमन विथ इंटेंशन बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने एक सपना भी देखा रात को कि बहुत लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और उसमें एक बहुत लंबी कहानी भी बन गई काफ़ी। एनीवे, तो इंटेंशन का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में भी आपका इंटेंशन क्या है, किसी चीज़ आप कुछ कर रहे हैं तो सही गलत आप खुद से, आपको कोई ऐसे तो सिखाने वाला नहीं है। एक वक्त के बाद हमें मम्मी पापा तो बहुत कुछ सिखाते हैं, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम बड़े होते हैं, स्पेशली कॉलेज, स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज, फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिससे हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि हमें बचना कैसे। और स्पेशली एक्टिंग जो करियर है, ये इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, और इसमें बहुत आठघाट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करता है, सीखना, आगे बढ़ना, पब्लिक रिलेशनशिप्स, तो इसके बारे में मैं तो डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो आज हम ये इंटेंशन वाली चीज़ को समझते हैं। तो गुड इंटेंशन जब आपके साथ होता है तो वो आपको हम्बल बनाता है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड लाता है, आपके इंटेंशंस, वो सारी चीज़ें। और जब बैड इंटेंशन होगा तो बैड इंटेंशन कुछ और बैड आपसे एक्शन करवाएगा। तो एज एन एक्टर ऐसे डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर किरदार को भी समझना है, तो तभी हम उसको लाइक रियल पोर्ट्रे कर पाएंगे। हम बोलते हैं कि वो कैरेक्टर बिल्कुल, अरे कितना बदमाश का खतरनाक रोल किया, लेकिन इंसान ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान है। तो ऐसे बहुत सारे अमरीश पुरी जी को देख के हमें क्या लगता है, अमजद खान साहब है ना, बहुत कमाल के। हम जब इरफान सर को देखते हैं तो डिफरेंट रोल उन्होंने, शेड्स कैसे किया। तो ये इंटेंशंस को पकड़ने से बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कैरेक्टर का जो थॉट है उसको समझ सकते हैं, और बाहर के लोगों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को भी बेटर बना सकते हैं। बार बार हम कहते हैं कि एक एक्टर एक अच्छा इंसान होता है, मुझे लगता है कि अच्छा इंसान क्या है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके इंटेंशन सही है, वही
बेटर इंसान है मुझे लगता है। अच्छा बुरा तो सबके अंदर, बुराई अच्छाई सब कुछ है। ऐसा नहीं कि मैंने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ गलत नहीं किया या आप नहीं करेंगे, लेकिन किसी को हार्म कर देना बेवजह वो बहुत बुरी बात होती है। तो अपने आप को भी अगर हम बेटर रखें तो हम काम भी बेटर कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है तो आपका इंटेंशन सही होना ही चाहिए। अगर इंटेंशन सही नहीं होगा तो वो गलत दिशा में चला जाएगा या तो फिर दिशा से आप भटक जाएंगे। तो इंटेंशन को आप खुद से सही रखिए, काम भी कीजिए, कैरेक्टर को स्टडी भी कीजिए। का इंटेंशन हमेशा याद रखना, आप जो भी काम कर रहे हैं वो वेल एंड गुड होना चाहिए। उसी इंटेंशन से आप जब काम करेंगे आप ज़िंदगी में भी, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और आपको एक से आगे एक रास्ता भी मिलता जाएगा। और जब इंटेंशन होगा अच्छा, काम अच्छा करेंगे तो रेस्पेक्ट भी मिलेगा। और दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ जो है वो प्यार लोगों से मिलता है, वो प्यार भी मिलेगा। लेकिन ये सब के लिए टाइम लगने वाला है, तो कीप पेशेंस। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आप लोग पेशेंस रखें और इंटेंशन सही रखें, रास्ता ढूंढते जाएं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते जाएं, कोशिश करते जाएं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, भले ही समय लगता है, होगा ज़रूर होगा। मेरा इंस्टा आईडी है सोम देसाई, वहाँ जाके आप मुझे पिंग कर सकते हैं। TAC.India मेरा मुंबई में थिएटर ग्रुप है जो मैं मई से चालू करने वाला हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आपका अगर कोई सवाल है जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ तो आप सवाल भी मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं, मौजल, टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।